योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं एवं राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में आयोजित प्रभु श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिपेक्ष में तात्विक वेशन के तीसरे दिन कथा व्यास अशर्फी भवन अयोध्या से पधारे अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज ने श्री राम के वनवास की कथा सुनाते हुए कहा कि सत्संगति का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सज्जनों की संगति में आ जाने पर संत बन जाता है, वहीं अगर कुसंगति मिल जाए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी बिगड़ जाता है। यही हुआ महारानी कैकेयी के साथ, जो मंत्रा जैसे दुष्ट की संगति मिलने से अपने सबसे प्रिय पुत्र श्री राम को वन भेजने का कार्य करने लगी। कैकेयी ने ऐसा हट किया कि राजा दशरथ को उनके सामने राम के वन गमन के वरदान को वापस लेने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। महाराज दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, फिर भी रानी कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मंदगति मंत्रा ने उनके मति का हरण कर लिया था। कुसंगत का असर उनके ऊपर पूर्ण रूप से हो गया था। महामंत्री सुमंत के द्वारा श्री राम जी को बुलाया गया। श्री राम आते हैं और पिता को मूर्छित अवस्था में देखकर मां कैकेयी से उनके बारे में पूछते हैं। कोई जवाब नहीं मिलने पर विविध प्रकार के प्रश्न करते हैं किंतु अपना धैर्य नहीं खोते। राम तो धैर्य के पर्याय हैं, मर्यादा के पर्याय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि वही संतान श्रेष्ठ है, बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरण में अनुराग रखता है। जिस पुत्र पुत्री को अपने माँ बाप की सेवा का अवसर मिलता है वह परम सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि माँ बाप हमारे प्राणदाता होते हैं। यदि वह कुछ आपके अनुसार ना भी करें तो भी उनके विपरीत नहीं होना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज के युग में बच्चे इन संस्कारों से दूर हो रहे हैं, इससे हमारा समाज, हमारा परिवार और देश खंडित हो रहा है। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विकृति है। श्री राम के चरित्र को सुनना है, राम के कथाओं में जाना है ताकि अनुसरण हो और हम राम की तरह ही माता पिता के अनुरागी बने। माता पिता इस लोक के साक्षात ईश्वर होते हैं। गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधव तथा जय दशरथ नंदन राघव भजन गाकर कथा व्यास ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामायण में किशोरी जानकी जी ने दो बार अपराध किया है, एक बार भगवत अपराध और दूसरी बार भगवत अपराध। एक बार भगवान के साथ तो दूसरी बार भगवान के भक्त के साथ। माँ सीता को प्रभु श्री राम वन में ले जाने के लिए तैयार नहीं होते तो उनको जो वचन कहा है वह सुनकर प्रभु राम बिना कुछ कहे तैयार हो जाते हैं। दूसरा अपराध मारिश वध के समय लक्ष्मण जी से मर्म वचन बोल कर करती हैं। प्रभु राम और लक्ष्मण के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कथा व्यास कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का बराबर स्थान है। भगवान राम भाग्य रूप हैं और लक्ष्मण जी पुरुषार्थ रूप। भगवान राम को भाग्य से वन मिलता है, उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, जबकि लक्ष्मण जी अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदलने की बात करते हैं कि मैं राजा दशरथ के राज पर आक्रमण करके आपको राजा बना दूंगा। इस पर राम उन्हें समझाते हैं कि पिता के विरुद्ध किसी भी पुत्र को जाने का अधिकार नहीं है। समय का पहिया चलता है, पहिए के साथ भाग्य बदलता है। इस भजन के माध्यम से राम सीता के भाग्य को बताते हुए कथा व्यास ने कहा कि किस प्रकार से राम के पर समय का पहिया चला और उन्हें राजमहल की जगह पर वन वन भटकना पड़ा तथा कुश के आसन पर सोना पड़ा। समय का दूसरा नाम काल है और काल कोई और नहीं परमात्मा ही है, जिनके अधीन संसार के सभी लोग रहते हैं। केवट का संवाद सुनाते हुए कहा कि प्रेम के आगे ज्ञान भी मन हो जाता है, प्रेम के अधीन भगवान को भी होना पड़ता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से हार पड़ी। इस भजन के द्वारा श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा का प्रारंभ व्यास मंच के पूजन तथा समापन आरती एवं प्रसाद से हुआ। कथा का संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, यजमान अवधेश सिंह, जवाहरलाल कसौदन, अजय कुमार सिंह, लाला बाबू अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्र, रंगनाथ त्रिपाठी, ब्रजेश मणि मिश्र, विनय गौतम, शुभम मिश्र, शशांक पांडे, नित्यानंद तिवारी, पुरुषोत्तम चौबे तथा संस्कृति विद्यापीठ के विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में कथा प्रेमी उपस्थित रहे। अगर पदार्थ खाने के लाए, राम जी ने कहा ना। माँ कैकेयी ने कहा है पिताजी से 14 वर्ष तक राम अन्न ग्रहण नहीं करेगा, ये सब मुझे स्वीकार, हाथ जोड़ लिया, बस आप ले जाओ।
लखनलाल जी के मन में भाव है कि वन में रहने वाला प्याद पशुओं का शिकार करता है, क्या पता इसका, क्या भरोसा इसका। और निषाद राज गुह का ये भाव प्रेमातिशय है प्रभु राम के प्रति, इसलिए अति शंका। लखनलाल है तो आखिर शत्रुघ्न का भाई ना, और शत्रुघ्न भरत की सेवा में है, कहीं ये लखनलाल भी उनके पक्ष में रह करके राम के ऊपर कहीं वार न करे, इसलिए निषाद राज गुह रात भर जगते हैं। पर्ण कुटीर की ओर किसी की दृष्टि नहीं, न लखन की न राम की, न लखनलाल की न निषाद राज गुह की, बल्कि एक दूसरे की ओर है, धनुष बाण उठा है लखनलाल की ओर और लखनलाल का निषाद राज गुह की ओर। अगर कहीं बाण चलेगा तो मेरा बाण पहले इसके उसके ऊपर लगेगा, ये अतिशंका इसको कहते हैं। रात भर दोनों जगते रहे, पर्ण कुटीर में श्री सीताराम जी दुखी रहे। प्रातः काल हुआ, निषाद राज गुह पहले तो सुमंत्र जी को समझाया है प्रभु राम ने, लौटने को तैयार नहीं, बोले आपके सामने रथ घोड़े के सहित मैं जलकर मर जाऊंगा लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगा। परंतु प्रभु राम ने कहा, मां कैकेयी को विश्वास हो कि मैं बन गया हूं और हमारे कुछ संदेश लेकर के पिताजी को देना, समझा बुझा करके वापस किया है, और मैं बड़े विधिवत चरण धुलूंगा, एक भी धूल कण नहीं रहेगा, कोई खतरा मेरी नौका को नहीं रहेगा, फिर मैं आसानी से पार उतार दूंगा। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे परम मैं सब मानुष पूरा कुटुंब कितनी 21 पीढ़ी तर गई हो, देवताओं ने प्रशंसा की कि इसके समान पुण्यमान और दुनिया में ब्रह्मांड में कोई नहीं है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जगत का उद्धार करने वाले, जगत से पार उतारने वाले परमात्मा को भी कभी कभी भक्त की जरूरत पड़ जाती, कैसे आओ जरा अनुभव करें। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी ग्रंथ जिनके यस गावे केवट उनको पार लगावे, केवट उनको पार लगावे, केवट उनको पार लगावे। पर से फूल कदन से 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 भक्त के भाग बढ़े। We'll be right back.
तब वो तो वनवासी रूप में निकले थे, उतराई के लिए कुछ था नहीं। जानकी जी की ओर देखा, जानकी जी मुद्रिका उतार कर दी, प्रभु देने लगे। लेकिन केवट भी, भक्त भी तो आखिर भगवान का, छोटे मोटे का तो है नहीं। जो सर्वज्ञ है उसका भक्त है भक्त। केवट ने कहा, प्रभु मैंने आपको गंगा से पार उतारा है और आप मुझे भव से पार उतार दीजिए, यही उतराई चाहिए। सुमंत्र जी आप जाकर महाराज दशरथ को मेरा संदेश दीजिएगा कि आज से मैं लक्ष्मण महाराज दशरथ को अपना पिता नहीं मानता हूं। मेरे माता पिता भ्राता बंधु सब मेरे राघव राम हैं। हमने प्रारंभ से बताया, केवल प्रभु में प्रेम रखने से, भक्ति करने से भगवान के प्रेमियों का हम अपचार भी कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। इसलिए भगवान के साथ भगवत प्रेमी, कोई संत या भक्त, उसके प्रति, उसका संग, उसके प्रति श्रद्धा रखने से हम कभी किसी का निरादर नहीं करते। आज श्री राघव के प्रति इतना अनुराग है, प्रेम है लखनलाल जी का कि पिता दशरथ जी को तो यहां तक कहते हैं कैकेय्या सक्त मानसम। चित्रकूट वैकुंठ है वो कैसी यात्रा है, इसका थोड़ा विशद विवेचन हम कल पुनः 3 बजे श्रवण करेंगे। आइए अब और आगे का कार्यक्रम हम लोग और आरती श्री रामायण जी की हम लोग करते हुए पुष्पांजलि अर्पण करें। Oh,